हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू दी इस स्पेशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पीपीएससी नैपसीलर एग्जाम दे लई मॉक टेस्ट नंबर 2, जिस दे विच आपां 30 प्लस क्वेश्चंस कवर करांगे, जिस दे विच जीए और रीजनिंग दे क्वेश्चंस नूं आपां कवर करांगे। जो जीए सब्जेक्ट है, इस दे विच आपां ने 3 तों 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स दे भी शामिल कीते ने, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आ। इस वीडियो तो तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि जो पेपर का लैवल है वह किस तरह का रहता है पीपीएससी एग्जाम का। ठीक है, इस तो पहला अपने मॉक टेस्ट नंबर 1 कवर किया। अगर तुमने वह वीडियो नहीं देखा तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इस वीडियो के तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वह भी तुसी देख सकते हो। ठीक है, यह मॉक टेस्ट नंबर 2 मैं तुहाडे तक लेके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल नाल तुहाने सारे क्वेश्चंस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पुछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टड द रेजिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर। जो संविधान है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस दे द्वारा केंद्र नूं एक पावर दी गई है जिसका नाम है रेजिड्यूरी पावर्स आ। बट द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वैदर मैटर फॉल्स अंडर रेजिड्यूरी पावर्स और नॉट रेस्टस विद। बेसिकली आपां नूं पुछा गया है किस दे कोल फाइनल अथॉरिटी है यह डिसाइड करन दी कि जो यह पर्टिकुलर मैटर है यह रेजिड्यूरी पावर के अंडर आएगा कि नहीं आएगा। इसनों कौन डिसाइड करता है, यह फाइनल कौन करता है, यह अपन क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन दिए गए ने द पार्लियामेंट, संसद, राष्ट्रपति, प्रेजिडेंट, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना डी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होंगे इस दे कोल फाइनल अथॉरिटी होंगी, पावर होंगी है यह डिसाइड करने की जो पर्टिकुलर मैटर है यह रेजिड्यूरी पावर के अंडर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस तो इलावा तुसी ये भी याद रखो, प्रेजेंट टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है एन वी रमन, जस्टिस एन वी रमन। यह इंडिया के 48th चीफ जस्टिस ने, यह भी तुमने याद रखना है। ठीक है, इस तो इलावा अपन अगर पूछा जाए टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है इस सुप्रीम कोर्ट के जजस की, तो आंसर हो जाएगा अपना 34, जिस दे विच 33 प्लस 1 का मतलब कि इस 33 नॉर्मल जज होंगे ने। ठीक है, और एक होंगे ने चीफ जस्टिस, जो प्रेजेंट टाइम पर कौन ने, एन वी रमन, जस्टिस एन वी रमन, जो कि इंडिया के 48th चीफ जस्टिस ने, यह भी तुमने याद रखना है। इस आंसर है अपना डी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट। जो राज्यसभा है इसनों आप अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, अपर हाउस बोलते हैं इसनों आप, एक होंगी लोकसभा जिसनों आप लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, और जो परसन अपर हाउस का यानी राज्यसभा का मैंबर बनना चाहता है तो उसकी मिनीम एज होनी चाहिए 30 साल। ठीक है, और अगर लोकसभा का मैंबर किसी परसन ने बनना है तो उसकी एज 25 साल होनी चाहिए है। ठीक है, अगर कोई परसन गवर्नर, प्रेजीडेंट या फिर वाइस प्रेजीडेंट बनना चाहता है तो उसकी एज घट्टो घट 35 साल होनी चाहिए है। ठीक है, यह भी तो उन्हें कुछ पॉइंट्स ने जोड़े वो याद रखने ने। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर इंडिया के प्रेजीडेंट कौन ने, रामनाथ कोविंद, जो कि इंडिया के 14th प्रेजीडेंट ने इंडिया के, यह भी तुमने याद रखना है। और इंडिया के वाइस प्रेजीडेंट कौन ने, वेंकैया नायडू, और जो वेंकैया नायडू ने यह इंडिया के 13th वाइस प्रेजीडेंट ने। ठीक है, और जो वाइस प्रेजीडेंट होंगे ने इंडिया के, यह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने राज्यसभा के, यह भी तुमने याद रखना है। यानी आपां नूं पूछा जाता है जो राज्यसभा अपर हाउस होंगे इस दे विच जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने वह कौन होंगे ने, तो अपना आंसर हो जाएगा वाइस प्रेजीडेंट यानी वेंकैया नायडू, यह भी अपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सैकेंड नंबर क्वेश्चन, द इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पोंसिबल फॉर। यानी ईडी जो होंगी है इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट, यह फाइनेंस मिनिस्ट्री नूं रिस्पोंसिबल होंगी है, किस चीज़ के लिए रिस्पोंसिबल होंगी है, यह अपन क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है इनफोर्सिंग द प्रोविजनज ऑफ फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बेसिकली जो प्रोविजनज होंगे ने FEMA एक्ट के अंडर, यानी फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो भी प्रोविजनज दी होंगे ने उन्होंने इनफोर्स करना, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट अपन दी गई है। उस तो बाद देखो सैकेंड स्टेटमेंट, सैकेंड क्या गया है, कलैक्शन ऑफ इंटैलीजेंस रिगार्डिंग पॉसिबल केसिज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यानी बेसिकली जो कलैक्शन की जाती है इस जो पॉसिबल केसिज होंगे ने मनी लॉन्ड्रिंग के, उन्होंने कलैक्शन की जाती है, भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट अपन दी गई है। ठीक है, जिमें इतने आपको पहला और चौथा दिता गया, इस सैकेंड भी होना चाहिए सी, तो ही अपना आंसर नहीं हो सकता। इस सिर्फ और सिर्फ दूजा दिता गया तो यह भी आंसर अपना नहीं हो सकता। ठीक है, उस थर्ड अपन स्टेटमेंट दी गई है,
असैसमेंट ऑफ केसिस ऑफ इवेजन ऑफ इनकम टैक्स, इस दे विच क्या गया है जो इनकम टैक्स के विच इवेजन की जाती है उसकी असैसमेंट करना। जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होंगी है बेसिकली CBDT जिसनों बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सिस, इस दे कोल है अथॉरिटी होंगी यानी अपनी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल रोंग इतने दी गई है। उस तो बाद फोर्थ दी गई है कॉन्फिसकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्राइम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस दे विच कॉन्फिसकेशन की जाती है प्रॉपर्टी PMLA एक्ट के अंडर जो भी क्राइम करता है उसकी प्रॉपर्टी नूं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट अपन नूं दी गई है। यानी यह आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर होएगा सी ऑप्शन, पहली दूजी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल जी सही अपन नूं दी गई है। तीजी स्टेटमेंट इस दे विच गलत दी गई है क्योंकि जो इवेजन की जाती है इनकम टैक्स के विच ओह अथॉरिटी होंदी है जो कि असैसमेंट करती है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सिस, यह भी अपने याद रखना, इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। नैक्सट देखो अमंग द टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द लार्जेस्ट कलैक्शन ऑफ टैक्स इज फ्रॉम, यानी जो केंद्र सरकार होंगी है यूनियन गवर्नमेंट होंगी है इसनों लार्जेस्ट कलैक्शन है जो टैक्स का किस टैक्स तो मिलता है। ठीक है, लार्जेस्ट कलैक्शन किस तो मिलती है, इनकम टैक्स तो मिलती है, कॉरपोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना कॉरपोरेशन टैक्स। जो कॉरपोरेशन टैक्स है इस तो सब तो ज़्यादा जो कलैक्शन है वो की जाती है टैक्स की केंद्र सरकार के द्वारा जो रेवेन्यू क्रिएट की जाती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन कॉरपोरेशन टैक्स। नैक्सट देखो द परपज ऑफ द फिजिकल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इज अमंग अदर थिंग्स, बेसिकली परपज पूछा गया है फिजिकल रिस्पोंसिबिलिटी का और बजट मैनेजमेंट एक्ट का, यह पूछा गया अपन इन्हों के ऑप्शन सही बनेगा। सब तो पहला ऑप्शन दिता गया है टू रेगुलेट गवर्नमेंट बोरोइंग्स, टू अलाउ अर्बन लोकल बॉडीज टू इनकर डेट्स, टू मेक द स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पोंसिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और नन ऑफ द अबव। जो फिजिकल रिस्पोंसिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट होंगे इसका जो परपज़ होंगे बेसिकली वह कि होंगे टू रेगुलेट गवर्नमेंट बोरोइंग्स, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा उधार लिया जाता है ठीक है उसनों रेगुलेट करना, गवर्नमेंट के द्वारा जो बोरोइंग्स कितिया होंदिया ने उसनों कंट्रोल करना, उसनों रेगुलेट करना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन टू रेगुलेट गवर्नमेंट बोरोइंग। नैक्सट देखो एशियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लगून एज वैल एज वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रीडिंग प्लेस फॉर कॉलोनीज ऑफ फ्लैमिंगोज वाइट बैलीड सी ईगल्स जकानाज एंड हैरोंस इज, बेसिकली एशिया का जो लार्जेस्ट है इनलैंड साल्ट वाटर लगून इसका नाम की है यह पूछा गया अपन, जिस दे विच फ्लैमिंगोज वाइट बैलीड सी ईगल्स ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हों की लार्जेस्ट ब्रीडिंग है जी पाई जाती है इस प्लेस के विच, अपन पूछा गया है किस दे विच पाई जाती है, यह ऑप्शन दिए गए हैं भितरकनिका ठीक है और उस तो बाद नैक्सट है रंगा नीथू और थैकड बर्ड सेंचुरी या फिर चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी के जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वह पाई जाती है फ्लैमिंगोज वाइट बैलीड सीगल्स और जकानाज एंड हैरोंस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना डी ऑप्शन चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी। की तुम मैं कमेंट बॉक्स में लिख के दस सकते हो जो चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है यह इंडिया की किस स्टेट के लोकेटड है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसो। नैक्सट देखो वाई आर द पल्स क्रॉप्स कंसीडर्ड वेरी इंपोर्टेंट फॉर आवर इकोनमी, यानी इंडिया की जी इकोनमी है इस जो पल्स क्रॉप्स ने यानी जो दाला होंदिया ने इन्हों की खेती करनी है जी मोस्ट इंपोर्टेंट मनी जाती है, वेरी इंपोर्टेंट मनी जाती है, यह क्यों मनी जाती है, इसका कारण की है। ठीक है, यह अपन क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है दे आर एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट, बिल्कुल सही है अपनी डाइट के यह प्रोटीन है जोड़ा इंपोर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट यह जो दिती गई है पहली। उस बाद सैकेंड है देयर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ मच लैसर दैन अदर फूड क्रॉप्स, यानी इन जो पानी की रिक्वायरमेंट है वह घट होंगी है एज कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स, यह भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट दी गई है दे डू नॉट रिक्वायर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, इस दे विच बहुत ही घट मात्रा के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ने जो यूज़ की जाए ने ना मात्र, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट अपन दी गई है। उस तो बाद नैक्सट दिता गया है फोर्थ स्टेटमेंट दे इनरिच द सॉयल रादर दैन डिपलीटिंग इट, यानी यह इनरिच होंगे ने सॉयल के, यह भी बिल्कुल सही है डिपलीटिंग करने बहुत घट होंगे ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का अपना आंसर कि बनूगा, यानी पहली भी सही है, दूजी भी सही है, तीजी भी सही है और चौथी स्टेटमेंट भी सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना पहली दूजी तीजी और चौथी चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दिखाई गई हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना डी ऑप्शन फर्स्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर करैक्ट।
मोस्ट ऑफ द एक्सपलोजनस इन माइंस अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ, यानी जो माइंस होंदिया ने इन्हां दे विच एक्सपलोजन होंदी है कदे कदे, ठीक है। इस दे विच केड़ी गैस अगर मिल जाए तो एक्सपलोजन हो जाता है। आपां नूं पुछा गया है केड़ियां गैसेस दे मिलन दे नाल एक्सपलोजन हो सकता है माइंस दे विच, ठीक है। आपां नूं ऑप्शन दिते गए ने हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, मिथेन विद एयर, ऑक्सीजन विद एसिटिलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड विद मिथेन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है मिथेन विद एयर। जदों मिथेन गैस एयर दे नाल हवा दे नाल मिल जाती है उस समय जिहड़ा एक्सपलोजन है वह देखने को मिलता है माइंस दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन मिथेन विद एयर। नेक्स्ट देखो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट इलैक्टोरल बोंड स्कीम, यानी इन्हां दे विचों कि स्टेटमेंट गलत दिती गई है इलैक्टोरल बोंड स्कीम दे विच। आपां नूं पुछा गया है गलत, ठीक है, वो आपां नूं फाइंड करनिया ने इस दे विच कि स्टेटमेंट आपां नूं गलत दिती गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट दिती गई है इट एम्स टू क्लीनस द सिस्टम ऑफ पोलीटिकल फंडिंग इन इंडिया, यानी इसका एम की है, इसका जो इलैक्टोरल बोंड स्कीम है इसका मेन मोटिव की होंगे, एम की होंगे, जो पोलीटिकल फंड होंगे इसनों की करना क्लीन करना, ठीक है। सिस्टम ऑफ पोलीटिकल फंडिंग इन इंडिया दे विच क्लीन करना ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी इस दे विच गलत नहीं है तो अपनी ये जी स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, सही है, ठीक है, बट अपने फॉल्स फाइंड करनी है। उस बाद सैकेंड स्टेटमेंट दिती गई है इलैक्टोरल बोंड्स कैन बी परचेज्ड बाय ओनली हाई नैटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो इलैक्टोरल बोंड्स होंगे ने यह परचेज कर सकते हैं ओनली हाई नैटवर्थ इंडिविजुअल्स। इस तरह की कोई भी प्रोविजन नहीं दी गई, ठीक है, इलैक्टोरल बोंड स्कीम के, यानी यह अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत इतने दी गई है, ठीक है। इलैक्टोरल बोंड इज फॉर फंडिंग ऑफ ऑल पोलीटिकल पार्टीज इन इंडिया, जो इलैक्टोरल बोंड होंगे ने यह फंडिंग करते हैं पोलीटिकल पार्टीज़ को, इस तरह की भी कोई प्रोविजन इस नहीं दी गई, यानी सैकेंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल रोंग आपां नूं दित्तियां गईयां ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कहड़ा अपना सी ऑप्शन सैकेंड, यानी दूजी और तीजी जी स्टेटमेंट है बिल्कुल रोंग दिती गई है क्योंकि आपां नूं फॉल्स पुछिया सी और जी पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू दिती गई है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना सी ऑप्शन सैकेंड एंड थर्ड आर करैक्ट। नैक्सट देखो वेयर इज़ द हैडक्वाटर ऑफ हैडक्वाटर ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट लोकेटेड, यानी हैडक्वाटर पूछा गया है आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट का, ठीक है, जो कोर्ट बनया हुआ है आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट इसका मुख्यालय इसका हैडक्वाटर कितने है, यूएसए के है, स्विट्जरलैंड है, चाइना के या फिर डेनमार्क के, यह लोकेटेड है स्विट्जरलैंड। इस आंसर है अपना बी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। नैक्सट एक देखो 10 नंबर क्वेश्चन हु अमंगस्ट द फॉलोइंग एक्टेड एज स्क्राइब टू राइट आदि ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ है इस दे विच सक्राइव दे तौर दे उपर काम किसने किया, एक्ट किसने किया। सक्राइव का मतलब की होंदा लिखारी, ठीक है, इसनों पंजाबी भाषा दे विच बोलदे हैं लिखारी, ठीक है। आपां नूं पुछा गया है सक्राइव दे तौर दे उपर इस आदि ग्रंथ दे विच किसने काम किया, भाई बुद्धा जी, भाई गुरदास जी, भाई मरदाना जी या फिर नन ऑफ द अबब। इस दे विच जो सही उत्तर दिता गया आपां नूं ओह दिता गया है भाई गुरदास जी, जो भाई गुरदास जी ने इन्हां दे द्वारा लिखारी दे तौर दे उत्ते इस दे विच एक्ट किया गया है आदि ग्रंथ दे विच सक्राइव दे तौर ते। इस आंसर है बी ऑप्शन भाई गुरदास जी। नैक्सट देखो विच वन अमंग द फॉलोइंग डांसिस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय वूमेन, इस दे विच केड़ा डांस है जो कि वूमेन्स के द्वारा महिलावां के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता, सम्मी, गिद्दा, किकली या फिर लुड्डी। इस दे विच जो सही उत्तर अपना वो है लुड्डी, जो लुड्डी डांस है यह मेल्स परफॉर्म करते हैं ना कि फीमेल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना डी ऑप्शन लुड्डी। सम्मी, गिद्दा और किकली यह तीनों जो डांस ने यह वूमेन्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, बट जो लुड्डी है यह परफॉर्म महिलावां के द्वारा नहीं किया जाता, इस करके आंसर बनूगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन लुड्डी। नैक्सट देखो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ आपां नूं ट्रेडिशन दिए गए हैं और एक तरफ आपां नूं स्टेट्स दी गई ने। इस दे विच पूछा गया है करैक्टली मैच किस दे विच किए गए ने, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया। सब तो पहला है गतका, अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, जो गतका है यह केरला का नहीं है, पंजाब का है, तुहानू सब नू पता होएगा, ठीक है। गतका जो है यह ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है पंजाब का, ठीक है, जो पहली अपन स्टेटमेंट दी गई है रोंग दी गई है, पहला अपना आंसर नहीं होएगा, ए आंसर नहीं हो सकता अपना, ए आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उस तो बाद मधुबनी जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ने बिहार दियां ने बिल्कुल सही है यह, ठीक है, जो सैकेंड दिता गया है बिल्कुल सही है इतने दिता गया है, यानी यह भी आंसर अपना नहीं हो सकता क्योंकि दूजी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी आंसर इस क्वेश्चन का कि बन जूगा दूजी और तीजी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दी गई ने, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट के की किया गया है सिंगे खबास सिंधु दर्शन फैसटिवल, यह जम्मू एंड कश्मीर सैलीब्रेट किया जाता है, सिंगे खबास सिंधु दर्शन फैसटिवल।
यानी सैकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स ने जीडिया बिल्कुल सही दिखाई गई ने। इस आंसर है सी ऑप्शन सैकेंड एंड थर्ड। नैक्सट देखो, इस दे विच आपां नूं पुछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इस दे विच इस तरफ आपां नूं प्रोटेक्टेड एरियाज दिते गए हैं और इस तरफ यह प्रोटेक्टेड एरियाज जिस दे लई जाने जाते हैं वह दिते गए हैं। ठीक है, इस दे विच पुछा गया है किहड़ा सही है। ठीक है, इस दे विच आपां नूं करैक्टली जिहड़ा पेयर है वह आपां नूं फाइंड करन दे लई कहा गया है। ठीक है, सब तो पहला है भितरकनिका, उड़ीसा दे विच लोकेटड है और यह साल्ट वाटर क्रोकोडाइल दे लई फेमस है। बिल्कुल सही आपां नूं स्टेटमेंट दिती गई है। डेजर्ट नैशनल पार्क जो कि राजस्थान के लोकेटड है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और इराविकुलम केरला के लोकेटड है, बिल्कुल सही है, बट हुलोक गिबन के लिए नहीं जाना जाता। जो इराविकुलम है यह जाना जाता है नीलगिरी ताहर के लिए, नीलगिरी ताहर के लिए जाना जाता है, टी ए एच आर। ठीक है, नीलगिरी ताहर के लिए जाना जाता है इराविकुलम केरला, यानी थर्ड स्टेटमेंट इतने आपां नूं गलत दिती गई है। ठीक है, अपना आंसर किहड़ा बन जाएगा, पहली और दूजी बिल्कुल सही दी गई ने, तो आंसर अपना बी ऑप्शन बन जूगा। ठीक है, फर्स्ट और सैकेंड ने जिहड़े बिल्कुल सही ने। इराविकुलम जिहड़ा केरला दे विच लोकेटड है यह नीलगिरी ताहर दे लई जाणिया जांदा है, ना कि हुलोक गिबन दे लई। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन, पहली और दूजी। नैक्सट देखो, अ मिरर इज प्रेफर्ड ओवर अ लेंस फॉर कलैक्टिंग सोलर हीट बिकॉज। जो मिरर है प्रेफर किया जाता है ओवर अ लेंस फॉर कलैक्टिंग सोलर हीट, इसका कारण की है। ठीक है, यह चार ऑप्शन दिए गए हैं आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच और इस दे विच जो सही उत्तर दिता गया, आपां नूं आंसर दिता गया है, वह दिता गया है देयर इज़ नो अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय लेंस, यानी इन्हां दे द्वारा कोई भी जिहड़ी हीट है उसनों अब्जॉर्ब जिहड़ा है, देयर इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय लेंस, यानी जो लेंस होंदे ने इन्हां दे द्वारा जो हीट है उसनों अब्जॉर्ब किया जाता है, देयर इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय अ लेंस। ठीक है, इस करके इन्हां नूं प्रैफर किया जाता है सोलर हीट दे विच। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन, There is absorption of heat by a lens. Next देखो, इस दे विच क्या गया है, बटर फ्लोट्स इन ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ हॉट सूप बट वैन द सूप कूल्स द ड्रॉपलेट्स स्प्रैड आउट टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑन द सर्फेस, दिस हैपन्स बिकॉज, यानी जो बटर फ्लोट्स है, यानी जो बटर है यह ड्रॉपलेट्स के, यानी जो हॉट सूप होंगे उस दे विच ड्रॉपलेट के तौर पर उत्ते जिहड़ा फ्लोट करता है। ठीक है, और जदों सूप है जिहड़ा कूल कर जांदा, ठंडा हो जांदा है, तां जिहड़े इह ड्रॉपलेट्स ने इह फैल जांदे ने इक थिन लेयर दे विच सरफेस दे उपर, इसका कारण की है। ठीक है, यह पुछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच और इस दे विच आपां नूं जो ऑप्शन दिए गए ने चार दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सरफेस टेंशन ऑफ द सूप इनक्रीज ऑन कूलिंग, यानी जो सरफेस टेंशन होंदी है सूप दे विच ओह इनक्रीज होंदी है जदों ठंडा होंदा सूप, इस करके इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना सी ऑप्शन, सरफेस टेंशन ऑफ द सूप इनक्रीज ऑन कूलिंग, आंसर सी ऑप्शन। नैक्सट देखो, द पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रो, यानी जो पोलियो वायरस होंदा है यह ह्यूमन बॉडी दे विच एंटर करता है। ठीक है, किस तरीके नाल एंटर करता है, इसका जो तरीका है वह पूछा गया, अपन यह ऑप्शन दिए गए हैं चार और इस दे विच जो सही उत्तर है वह है कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर की मदद के नाल जो पोलियो वायरस है यह ह्यूमन बॉडी दे विच एंटर करता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। नैक्सट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिसीज स्प्रैड्स थ्रू मॉस्किटो बाइट्स अमंग ह्यूमनस, यानी इन्हां दे विचों किहड़ा डिसीज़ है जो कि मॉस्किटो बाइट्स के कट्ट, यानी मॉस्किटो के कट्टन के नाल जिहड़ा यह फैलता है ह्यूमनस दे विच, यह पुछा गया है किहड़े डिसीज़ ने जो कि फैलते हैं मॉस्किटो बाइट्स के नाल। ठीक है, यह पुछा गया अपन इस क्वेश्चन दे विच और यह चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर है अपना डेंगू फीवर, जैपनीज़ इंसेफिलिटिस और येलो फीवर, इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन, डेंगू फीवर, जैपनीज़ इंसेफिलिटिस और येलो फीवर, इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट पावरफुल आई इरीटेंट प्रेजेंट इन स्मोग इज़, यानी जो धुआं होंदा है, ठीक है, इस विच जो मोस्ट पावरफुल आई इरीटेंट प्रेजेंट होंदा है उसका नाम आपां नूं पुछा गया है। ठीक है, यह आपां नूं चार ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन दे विच और इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना पैरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट, इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना सी ऑप्शन, पैरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट जो होंदा है यह स्मोग दे विच प्रेजेंट होंदा है जो कि ह्यूमन जो ह्यूमन की अख होंगी है इसनों इरीटेंट करता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। ठीक है, इस आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इन ओल्डन डेज वैन रेफ्रिजरेटर्स डिड नॉट एग्जिस्ट इट वॉज कस्टमरी टू बॉयल मिल्क ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे
टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग सॉर। ठीक है, यानी जो पुराने दिन सी ओल्डन डेज दे विच जो रेफ्रिजरेटर जो एग्जिस्ट नहीं करते सी उस समय जो लोग होंगे सी यह मिल्क नू दो तो तीन बार बॉयल करते सी तां कि वह सॉर ना हो जाए खट्टा ना हो जाए। ठीक है, इसका कारण की सी, इसका कारण आपां नू क्वेश्चन दे विच पूछा गया। इस क्वेश्चन दे विच चार ये ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपां नू दिता गया वह दिता गया है किलिंग लैक्टोबैसिली दैट कन्वर्ट मिल्क इन टू कर्ड। बेसिकली जो लैक्टोबैकिली हुंदा है इसनों किल कर देंदे सी जदों यह किल हो जाते सी, यानी इस दे विच लैक्टो बैकिली हुंदी सी वह मर जाती सी उस समय जो मिल्क है इसनों कर्ड दे विच कन्वर्ट कर दिता जाता सी। ठीक है, इस करके इसनों दो तो तीन बार की है बाली दवाई जाती सी, बॉयल किया जाता सी मिल्क नू। ठीक है, इस करके इस क्वेश्चन आंसर बनूगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, एग्जैरोफिथैलमिया इज कॉज्ड बाय द डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ। एग्जैरोफिथैलमिया का कारण आपां पूछा गया है किस विटामिन की डेफिशिएंसी करके जो ये रोग है वो हो जाता है, ये पूछा गया आपां। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना विटामिन ए, इस आंसर है बी ऑप्शन विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हॉस्पिटल्स द ऑक्सीजन ट्यूब्स फॉर रेस्पीरेशन कंटेन ऑक्सीजन एंड, यानी हॉस्पिटल्स दे विच जो ऑक्सीजन ट्यूब्स होंगे ने रेस्पीरेशन दे लिए ही यूज करते हैं आपां, इस दे विच ऑक्सीजन दे नाल नाल किहड़ी गैस होंदी है, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इस आंसर है अपना बी ऑप्शन हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंदी है जो ऑक्सीजन ट्यूब्स होंगे ने हॉस्पिटल्स दे विच यूज की जाए रेस्पीरेशन दे लिए। ठीक है, इस आंसर है बी ऑप्शन हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, हू हैज़ वन द वूमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2021। स्विस ओपन 2021 का जो टाइटल है वूमेन टाइटल किसने जितया, यह ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पी वी सिंधु, कैरोलिना मैरिन स्पेन और नोजोमी ओकुहारा या फिर शैन यूफाई। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना कैरोलिना मैरिन और यह स्पेन की खिडारन है। ठीक है, आप याद रखना है और इस द्वारा 2021 स्विस ओपन है जोड़ा इसका खिताब जितया गया 2021 के लिए। इस आंसर है बी ऑप्शन कैरोलिना मैरिन फ्रॉम स्पेन। ठीक है, इस तो अलावा तुम ये भी याद रखो अगर पूछा जाए तो कि मैनज़ कैटेगरी के किसने जितया स्विस ओपन 2021, यह भी पूछा जा सकता है मैनज़ ओपन, तो आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सलसन, विक्टर एक्सलसन। और यह प्लेयर कितों के ने डेनमार्क के प्लेयर ने विक्टर एक्सलसन, इन्ह के द्वारा 2021 का स्विस ओपन टाइटल का खिताब है जोड़ा वह जितया, यह भी अपने याद रखना है। इस आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर वाज इंडियाज वर्ल्ड स्किल सेंटर इनोग्रेटड रीसेंटली, यानी इंडिया के वर्ल्ड स्किल सेंटर है जोड़ा इस इनोग्रेट किया गया रीसेंटली, कितने किया गया इनोग्रेट, भुवनेश्वर के बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर पुणे। इस इनोग्रेट किया गया भुवनेश्वर के उड़ीसा की कैपिटल। इस आंसर है अपना ए ऑप्शन भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के इंडिया का पहला फायर पार्क में भी जोड़ा एस्टैबलिश किया गया, यह भी भुवनेश्वर के एस्टैबलिश किया गया। इस आंसर है भुवनेश्वर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडैक्स 2021। सब तो पहले अपने ये याद रखना है जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडैक्स है इसनों केड़ी संस्था दिंदी है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडैक्स नू रिलीज़ कर दिया किस ऑर्गनाइजेशन के द्वारा इस इंडैक्स नू रिलीज़ किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अपना हैरीटेज फाउंडेशन। हैरीटेज फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जिसके द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडैक्स है जो रिलीज़ किया जाता है। इस दे विच जो इंडिया का रैंक है वह है 121st। इस आंसर अपना सी ऑप्शन 121। और अगर तुहाडे तो पूछा जाए पहला देश केड़ा है फस्ट रैंक किसका है, फस्ट रैंक है सिंगापुर का। ठीक है, और सैकेंड रैंक है न्यूजीलैंड का, थर्ड रैंक है इस दे विच ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया यह तीन टॉप कंट्री ने फस्ट सैकेंड और थर्ड। इंडिया का रैंक है 121 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडैक्स के, और इस दे विच लास्ट जो रैंक है वह केड़ा है, केड़ा देश है, नॉर्थ कोरिया। लास्ट जो रैंक है वह है नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, यह भी याद रखना अपने। उस तो बाद जो रीजनिंग के क्वेश्चन ने उन्होंने आप कवर करते हैं। ठीक है, इस दे विच पहला अपन रीजनिंग और क्वांट का क्वेश्चन दिता गया है, कंसीडर अ क्लास ऑफ 23 स्टूडेंट्स। एक क्लास के अपने स्टूडेंट्स कंसीडर करने ने 23 स्टूडेंट्स, और जो इन्हों की एवरेज एज दी गई है वह कितनी दी गई है 12 साल, 12 ईयर्स। और इस दे विच अगर उन्होंने टीचर नू भी इनकलूड कर लिया जाए तो इस दे विच जो एज है वह 7 महीने की हो जाती, इनक्रीज़ हो जाती है। जो टीचर की एज है ये अपन क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहले आप सम फाइंड करा, 23 स्टूडेंट्स ने 23 स्टूडेंट्स का आप फाइंड करा, आप फाइंड करा सम। ठीक है, 23 स्टूडेंट्स ने और 12
इन्हों की एवरेज है तो की करा अपन 23 गुणा 12 कर देंगे। ठीक है, 12 की 36 6 आ गया और तिना रिमाइंडर 12 दुना 24 से 3 27 276 आ गया। ठीक है, उस तो बाद जो आप टीचर इनकलूड कर लेंगे तो आप 23 प्लस 1 ऐड करा 24 आ जाएंगे, यानी टोटल जो इस परसनस हो गए किन्ने हो गए 24, जिस 23 स्टूडेंट्स ने एक टीचर है। ठीक है, और इस जो एवरेज एज है वह कि इनक्रीज़ होगी, 7 महीने इनक्रीज़ होगी, यानी इतने 12 साल से। ठीक है, इतने 7 महीने इनक्रीज़ होगी, यानी इतने अपनी जोड़े 24 परसनस ने इन्हों की एवरेज कि बन गई 12 प्लस 7 बटे 12, यानी एक साल आप डिवाइड कर देंगे 12 प्लस 7 बटे 12 कर देंगे। ठीक है, यह जो 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एलसीएम लवेंगे आप तो इतने वैल्यू क्यों नहीं बन जूगी, 24 गुणा एज इट इज़ आ जूगा, 12 गुणा 12 किता 144, 144 से 7 किता 151, 151 नीचे कि आ गया 12। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दौरान 24, 151 गुणा 2 किता तो अपनी वैल्यू कि आ गई 302। ठीक है, यानी 24 जड़े परसनस ने इन का सम कि आ गया 302, 23 का किन्ना सी 276, इन दोनों डिफरेंस किया अपने तो अपन वैल्यू कि मिल गई, अपन मिल गई 26 ईयरस 26 साल, तो 26 साल एज कि होगी टीचर की होगी, यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना 26 साल बे ऑप्शन। नैक्सट देखो, सपोज देयर आर 6 रनरस इन अ रेस, एक रेस के विच एक रेस करवाई जाती है, 6 ने जिहड़े इस रेस के विच भज रहे ने रनरस ने। ठीक है, इन हाउ मैनी डिफरेंट ऑर्डरस कैन दीज 6 रनरस फिनिश द रेस, नो टाइज आर अलाउड, कोई भी टाई अगर अलाउड नहीं की जाए तो अपन पूछे गए ने। ठीक है, इस किन्ने तरीक़े नाल आपां इन्हां नूं फिनिश कर सकते हैं इस 6 रनरस दी रेस नूं। इस तरह के केस दे विच जदों आपां नूं कोई भी टाई अलाउड नहीं की जाए तो आपां ने की करना है, जस्ट आपां ने 6 दा फैक्टोरियल सॉल्व करना होंदा, होर कुछ नहीं करना होंदा। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, 6 5 30 3 4 12 12 दी 36 36 दुना 72 यानी 720 720 आ गया अपने कोल, इन्हां नूं मल्टीप्लाई करन तों बाद, यानी 6 दा फैक्टोरियल किहदे कोल है 720 दे, तां सर इस क्वेश्चन दा किहड़ा बन गया 720 बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, रमेश के द्वारा एक रमेश परसन है, इस द्वारा अपनी जी 25% सैलरी इसमें सेव किया जाता है। सब तो पहले आप इसकी इनकम लिख लें। ठीक है, और इस लिख लें आप एक्सपेंडिचर और इस पर आप लिख लें सेविंग। ठीक है, और सब तो पहला क्या गया है 25% की करता सेव करता, अगर आप इनकम मान लीए 100 रुपये तो उस केस 75 रुपये खर्चा होगा, 25 रुपये की करूँगा सेव करूँगा। ठीक है, 100 का 25% आपने सेव करवाता और 75 रुपये खर्चा कराता। ठीक है, उस तो बाद क्या गया है हिज इनकम इज़ इनक्रीज्ड बाय 25%, इसकी इनकम है जी 25% इनक्रीज़ करगी, 25% की करगी राइज करगी। ठीक है, 25% राइज करगी तो इनकम कितनी होगी 125 रुपये, और इस जो एक्सपेंडिचर है खर्चा है वह कितना इनक्रीज़ होया 10%, इसका 10% इनक्रीज़ करेंगे 7.5 आऊगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 75 82.5। ठीक है, 82.5, और अपन पूछा गया है फाइंड द इनक्रीज़ इन सेविंग, अगर 125 रुपये इनकम हो रही है 82 रुपये 50 पैसे खर्चा हो रहा है तो ये माइनस करेंगे तो वैल्यू कि आ जाएगी 17.5, 25 से 17.5 42.5, यानी इतने सेविंग कि होगी 42.5। अपन की पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज इनक्रीज़ इन सेविंग, सेविंग के बचत कि इनक्रीज़ होगी, अगर इन्हों का डिफरेंस देखिए तो कि इनक्रीज़ होया 17.5 17.5 बटे कि आएगा 25, और गुणा कर देंगे आप 100 दे 25 चौके 100, 17.5 4 नाल मल्टीप्लाई किया 35 दुना 70% इनक्रीज़ हो गया, जो सेविंग्स इनक्रीज़ हुई है, यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना 70% 70%। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इस दे विच आपां नूं जो कंडीशनज ने वो दित्तियां गईयां, एक पजल टाइप का क्वेश्चन है जिहड़ा दिता गया, इस दे विच क्या गया है 7 चिल्ड्रन बॉबी जॉन सूर्या सोनिका नेहा तरन एंड राम, यह एक टेबल दे अराउंड बैठे ने और इन्हों का जो फेस है वह सेंटर की तरफ है, किन्ने परसनस ने 7 ने। सब तो पहला आप 7 परसन बना लेने, 1 2 3 4 5 6 7, यह अपने को 7 परसनस ने। ठीक है, और सब तो पहला आपको कहा गया है नेहा इज अ नेबर ऑफ बॉबी एंड सोनिका। ठीक है, यानी जो नेहा है यह बॉबी और सोनिका की नेबर है, यानी इन्हों के विचकार होगी तो आप नेहा मान लेने इतने। ठीक है, अगर आप नेहा मान लीए इतने, नेहा इतने मान ली अगर आप इन के आले दुआले बॉबी और सोनिका ने बॉबी इतने मान लें आप। ठीक है, और सोनिका ने इतने मान लें, यह दोनों जो पोजिशनज़ ने यह इंटरचेंज भी हो सकते हैं, बॉबी इधर आ सकता है सोनिका इधर आ सकती है, वो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करा इन्हों। ठीक है, इन्ह का सेंटर वाले फेस है अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उस तो बाद गया है सैकेंड सिचुएशन के राम इज़ नॉट बिटवीन तरन एंड सूर्या, राम जो है तरन और सूर्या के विचकार है, हाले अपने तरन ना ही सूर्या अपने फिक्स नहीं किया, इसमें आप बाद देखते हैं।
ठीक है, एग्जैक्टली वन चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन तर्न एंड सूर्या। तर्न एंड सूर्या के बीच एक परसन जरूर है, ठीक है। तर्न इज इमीडिएट राइट ऑफ बॉबी। इमीडिएट राइट ते कौन बैठा है? इमीडिएट राइट ते बैठा है कौन? तरन, बॉबी दे। तो इमीडिएट राइट है इस तरफ होएगा, इतने कौन आ रहेगा? तरन, ठीक है, इतने बैठ गया तरन। और अपन क्या गया है, राम है जो इन्हों के विचकार नहीं है, राम इतने नहीं है तरन और सूर्या के विचकार। तो अपन पता लग गया इतने कौन है? सूर्या, ठीक है। राम इतने नहीं है तो राम इतने आ जाऊगा, ठीक है। एक परसन कौन बचा है? एक परसन अपना बच गया, एक परसन अपना बच गया जॉन, ठीक है। जॉन बच गया तो जॉन आप इतने लिख लेंगे, ठीक है। अपनी यह पूरी पूरी पजल सॉल्व होगी। इस आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, किड़ा किड़ा अपन क्वेश्चन पूछा गया। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो नेबर ने राम दे नेबर कौन ने, राम कितने है? ए है सूर्या एंड सोनिका, सूर्या एंड सोनिका, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ए ऑप्शन। उसके बाद पूछा गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ तरण। तरण की जो पोजीशन है वो पूछा गया है। सब तो पहला ऑप्शन है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सूर्या, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सूर्या, यानी जो तरण है यह थर्ड टू द लेफ्ट है किस तो? सूर्या तो, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सूर्या। थर्ड टू, इतने अपन सूर्या जो है इसका फेस नीचे तरफ है, ठीक है। और इस दे थर्ड लेफ्ट दे कौन दिता गया है? अपन पूछा गया है तरण। अगर आप देखिए ना दे फासला दो दा है, यानी अपना फर्स्ट ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। सेकेंड टू द राइट ऑफ सूर्या, सेकेंड टू द राइट ऑफ सूर्या, सूर्य कितने हैं? सूर्या इस दे सेकेंड राइट दे, यानी इतने सोनिका बैठी है, ए भी नहीं आंसर हो सकता। तरन क्या गया है क्योंकि अपन ए भी आंसर नहीं हो सकता। टू द इमीडिएट राइट ऑफ जॉन, टू द इमीडिएट राइट ऑफ जॉन, जॉन कितने है? जॉन ए है। और इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है? सूर्या। बट अपन तरन क्या गया है? तरन इज द इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, यानी ए भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या बन गया अपना? नन ऑफ द अबव, यानी अपन तीनों जो इस दे स्टेटमेंट्स दिखाई गई हैं तीनों रोंग ने, नन ऑफ द अबव है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु इज अ सिटिंग बिटवीन जोहन एंड राम, जोहन एंड राम के विचकार कौन है? जोहन एंड राम के विचकार कौन है? सूर्या। तो आंसर सूर्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, सूर्या सी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रन हैज द सेकेंड चाइल्ड सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ द फर्स्ट, यानी इमीडिएट जो चिल्ड्रन ने पेयर पूछा गया है वह जोड़ा केड़ा है जो कि सेकेंड चाइल्ड है जो इमीडिएट राइट है फर्स्ट दे, ये पूछा गया अपन। इस दे विच जो सही उत्तर है अपना वो है नेहा और बॉबी, ये आप चेक भी कर लेने हैं, ठीक है। ए है नेहा और ए है बॉबी, इस दे इमीडिएट राइट है। तो अपना इस क्वेश्चन आंसर केड़ा बन जूगा? बी ऑप्शन, नेहा और बॉबी, ठीक है। ए सी अपना मॉक टेस्ट नंबर टू, जिस दे विच अपने रीजनिंग दे क्वेश्चंस भी कवर कर ले, क्वांट दे भी कवर कर ले, करंट अफेयर्स दे भी कवर कर ले, और कुछ क्वेश्चंस अपने जीके दे भी कवर कर ले इस मॉक टेस्ट नंबर टू दे विच, ठीक है। इस तो अलावा पीपीएससी नैब सीलदार दे लई साडे द्वारा एक स्पेशल मॉक टेस्ट है जिहड़ा ओह प्रिपेयर किया गया है, यानी स्पेशल गैस पेपर साडे द्वारा तैयार किया गया है पीपीएससी नैब सीलदार एग्जाम दे लई, ठीक है। तुहानू पता है इसकी जो एग्जाम डेट है पीपीएससी दे द्वारा ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, 20 मार्च 2022 में तुहाडा जिहड़ा पेपर है वह ऑफलाइन कंडक्ट किया जाना है पीपीएससी के द्वारा। इस गैस पेपर के 4500+ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इस पॉलिटी के 300 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जिस तरह के तुमने इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखे ने बिल्कुल सेम इसे पैटर्न के क्वेश्चन होंगे इस गैस पेपर के, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन अजे होंगे जिहड़े कि तुसी एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अपने कवर किए हैं इस गैस पेपर के, ठीक है। हुण आपां रीसेंटली प्रिंसीपल हैडमास्टर का जिहड़ा पेपर है वह देखा सी, उस दे विच जो रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन से वो मोस्टली कवर हो रहे थे उस गैस पेपर के विचों, ठीक है। और इस दे विच आपां ने 500 क्वेश्चन रीजनिंग और क्वांट के भी पाए ने, ठीक है। इस दे विच जो 500 के 500 क्वेश्चन ने तुहानूं इस गैस पेपर के नाल वीडियो सोल्यूशन भी तुहानूं नाल ही प्रोवाइड किया जाऊगा, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन तुहानूं नाल ही प्रोवाइड किए जाएंगे इस गैस पेपर के, ठीक है। और इस दे विच तुहानूं इह याद रखना, यह गैस पेपर तुहानूं पीडीएफ फॉरमैट के प्रोवाइड किया जाऊगा, पीडीएफ फॉरमैट के विच। और यह जो गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेगा, पंजाबी हिंदी के अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोवाइड किया जाऊगा। बाकी तुसीं इत्थे स्क्रीनशॉट लै सकते हो किस सब्जेक्ट के किन्ने क्वेश्चन ने इत्थे लिखे गए हैं, ठीक है। जिवें पॉलिटी के 300 ने, ठीक है, पंजाब जीके के 300 ने, और करंट अफेयर के 1200 ने, पीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन भी पाए ने इस दे, जिस दे प्रीवियस पेपर जिहड़े होए ने पीपीएससी ने कंडक्ट किए ने उन्होंने क्वेश्चन भी शामिल किया गया है इस गैस पेपर के। इन सारे मिला दिए तो अपने को अप्रोक्सीमेटली 4500 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन बनते हैं, और 500 के 500 क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो सोल्यूशन भी इस गैस पेपर के नाल ही प्रोवाइड किया जाऊगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तुम्हें यह जो गैस पेपर है वह साढ़े द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है।
हुण आपां गल करदे हां पेमेंट प्रोसीजर की है, किस तरह तुसीं परचेज कर सकदे हो। ठीक है, इस गैस पेपर के जिहड़े चार्जेस ने वो रखे गए सी 1000, बट इस दे विच 50% का तुहानूं डिस्काउंट दिता जाऊगा। पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए सी, बट 521 स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 500 रुपए का ही प्रोवाइड किया जाए, इस करके 1000 जिहड़े स्टूडेंट्स ने, 1000 जिहड़े बच्चे ने स्टूडेंट्स ने, उन्होंने 500 रुपए के ही जिहड़ा है गैस पेपर है वो असीं प्रोवाइड करांगे। यानी 500 रुपए के ही तुहानूं जिहड़ा है गैस पेपर है ये साडी तरफ तो प्रोवाइड किया जाऊगा। ठीक है, और इस दे लई तुसीं पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोनपे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, इस नंबर के उपर 7009868826 इस दे उपर तुसीं जिहड़ा है अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। सेम नंबर वट्सअप है, ठीक है, इस दे उपर अपना जिहड़ा स्क्रीनशॉट है तुहाने सेंड कर देना है। साडी तरफ तो एक घंटे के विच जिहड़ा जिहड़े ये गैस पेपर है तुहानू साडी तरफ तो PDF फॉरमेट के विच सेंड कर दिता जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट गूगल पे, फोनपे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वो स्टूडेंट बैंक के भी ट्रांजैक्शन करके अपनी रिसिप्ट वगैरह सेंड कर सकता है, तो भी तुहानू जिहड़ा है गैस पेपर है अवेलेबल करवा दिता जाऊगा, सेंड कर दिता जाऊगा। ठीक है, ये अपनी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे। अगर तुहानू कोई डाउट है इस गैस पेपर के बारे तो तुसीं इस नंबर के उपर वट्सएप के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो। कॉल इस उपर अलाउड नहीं है, ठीक है, कॉल्स ज़्यादा आदि ने इस करके अटेंड करनिया पॉसीबल नहीं होंगे, इस करके तुसी वट्सएप के मैसेज कर देना, एक घंटे के साडी तरफ तो रिप्लाई भी कर दिता जाएगा। ठीक है, इस वट्सएप नंबर के उपर 7009868826 ए सी कंप्लीट डिटेल अपनी इस स्पैशल गैस पेपर के बारे, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जिहड़ा तैयार किया गया है साडे द्वारा। यह जिहड़ा गैस पेपर है तुहानू PPSC के सारे एग्जाम्स हैल्प करेगा, एवें नहीं हैगा कि यह तुहानू नैब सीलदार हैल्प करेगा, यह तुहानू कोऑपरेटिव सोसायटी इंस्पैक्टर के एग्जाम के भी हैल्प करेगा। जिवें सीनियर असिस्टेंट दीआं पोस्टां बहुत जल्दी आउट हो सकदीआं ने, नवीं सरकार जदों भी इलैक्ट होकर आती है तो जल्दी तो जल्दी रिक्रूटमेंट वल ही ध्यान होएगा, इस करके सीनियर असिस्टेंट के भी तुहानू जिहड़ा गैस पेपर है हैल्प करेगा। ठीक है, जो भी PPSC कंडक्ट करता है उन्होंने सारे एग्जाम के जिहड़ा है गैस पेपर है हैल्प करेगा। ए सी कंप्लीट डिटेल, अगर कोई डाउट है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, सो ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 2, जिस दे विच आपां ने 30+ क्वेश्चंस कवर किए ने इस मॉक टेस्ट नंबर 2 दे विच। तुहानू यह वीडियो किदां दी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसो, और इस वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल। अगर तुहाने साडा चैनल पंजाब आईक्यू हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन भी जरूर प्रेस करो। ठीक है, इस मॉक टेस्ट की अगर तुम PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है पंजाब आईक्यू उसनू ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट इत्थे करवाए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने लिए PDF ने जिहड़ियां ओह साडे पंजाब आईक्यू चैनल टैलीग्राम के उपर अपलोड की जाए, उसी डाउनलोड कर सकते हो जो भी PDFs हो। ठीक है, ये अपना कंप्लीट गैस पेपर के बारे और कंप्लीट मॉक टेस्ट नंबर 2। इस मॉक टेस्ट नंबर 2 के बस इन्ना ही, मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 के। सो थैंक यू सो मच।